इस बाइक के अंदर आपको जो हैंड गार्ड है वो भी कंपनी से ऑल। फटाफट से लाइक और शेयर ठोक डालो गाइज, और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। और आपको बजाज की कोई भी बाइक परचेज करनी है तो कमलेश जी भाई के कॉन्टैक्ट नंबर अभी डिस्प्ले के ऊपर आ रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे गाइज, आप उनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप शोरूम विजिट करना चाहते हैं शोरूम की लोकेशन में वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ गाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आर जे बैकर जे पी आर। यदि आपने पल्सर 125 सीसी वर्सेस होंडा 125 सीसी का वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाके चेकआउट करें, आई बटन में डाल रहा हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। तो आज मैं आपके लिए ले गया हूँ पलटिना 110 एस गियर वाली, जो न्यू लॉन्च की है पलटिना ने अभी, जो बजाज की बाइक है। इसकी सीट कम्फर्ट की बात करूँ गाइस तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल सीट होने वाली है, क्योंकि पलटिना की आपको पता ही ना हर बाइक की सीट कम्फर्ट होती है। और माइलेज की बात करूँ तो भाई माइलेज के अंदर भी ऐसी कोई बाइक नहीं है जो पलटिना की बराबरी कर सके और मुकाबला कर सके गाइस। तो ये तो होगा इसकी कंफर्ट की और माइलेज की बात गाइस। अब बात करते हैं इसकी हैंडलिंग की, तो भाई इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो। और इसके अंदर आपको स्पोर्टी लुक के साथ में हैंडल मिल जाता है और साथ में आपको हैंड गार्ड भी मिलते हैं देखने के लिए, जो अभी पलटिना के अंदर न्यू आ रहे गाइस। देखा जाए तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है गाइस, क्योंकि इसके अंदर आपको हैंड गार्ड प्रोटेक्ट मिल जाते हैं जो हर बाइक के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वो भी ऑलरेडी कंपनी से लगे हुए आते हैं। तो यहाँ से पहले लेते हैं लेफ्ट। तो ब्रेक भाई बहुत ही अच्छे ब्रेक इसके अंदर, और आपको फ्रंट के अंदर भी डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा 110 सीसी की गाइस। तो थोड़ा सा पिकअप चेक कर लेते हैं बाइक का एक बार भगा के। वाओ तो भाई पावर की बात करूँ तो पावर अच्छा खासा मिलने वाला है इसके अंदर 110 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो। और ब्रेक्स की बात करें, इसके ब्रेक कैसे हैं वो भी अच्छे होने वाले, बहुत ही अच्छे होने वाले भाई। तो इसके अंदर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं गाइस। तो एक बार इसकी थोड़ी सी स्पीड भी चेक कर लेते हैं और इसके इंजन कैसा परफॉर्मेंस करता है गाइस। तो बाइक के इंजन की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रिफाइंड इंजन मिल जाता है इसके अंदर आपको, और गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी ईजिली हो पा रहे गाइस और काफ़ी स्मूथली काम कर रहे हैं। ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे अपन, यहीं पे पास में चलेंगे और एक थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे यहाँ। तो गाइज फाइनली मार्केट में आ चुकी है एच गियर 110 सीसी पलटिना, जो अपने माइलेज और अच्छे कंफर्ट के लिए जानी जाती है गाइज। फ्रंट लुक की बात करें तो बाइक का फ्रंट लुक कुछ ऐसा दिखता है गाइज, हैवी लुक जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके अंदर जो इंडिकेटर्स दिए काफ़ी स्टाइलिश दिए गए, और साथ में ही आपको जो हैंड गार्ड मिलते हैं, हैंड गार्ड प्रोटेक्शन मिलते हैं, जो और बाइक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओनली फॉर पलटिना के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, वो भी आपको बिल्कुल फ्री दे रही है पलटिना, इसकी कोई सर्विस कॉस्ट नहीं है। साइड लुक की बात करें तो साइड लुक कुछ ऐसा दिखता है गाइज, हैवी लुक जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके अंदर आपको जो ग्राफिक मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्टाइलिश ग्राफिक देखने के लिए मिल जाएंगे। टैंक के ऊपर जो आपको लोगो मिलता है पलटिना का वो भी 3D के अंदर मिलता है। और प्लस पॉइंट की बात करूँ तो आपको इसके अंदर जो हैंड गार्ड है प्रोटेक्शन वो भी बिल्कुल फ्री मिलते हैं गाइज। फ्रंट टायर साइज की बात करूँ तो गाइज इसके अंदर आपको टायर साइज मिल जाता है 80-17 का टायर साइज मिल जाता है, एंड इसके अंदर जो आपको डिस्क साइज मिलता है वो 230 mm का डिस्क साइज मिल जाता है। और इसके अंदर आपको जो पलटिना न्यू लॉन्च की है उसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा गाइज, और 110 सीसी का इसके अंदर आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है। और सस्पेंशन की बात करो तो इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और सस्पेंशन के ऊपर आपको लाइट रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा गाइज, जो काफ़ी अच्छा है और नाइट राइड के अंदर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है इसका गाइज। टैंक के ऊपर आपको जो पलटिना का लोगो है बजाज का वो साथ में 3D के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज। हैवी लुक जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो लोगो आता है पलटिना का वो 3D के अंदर आता है गाइज। फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ तो गाइज इसके तरह आपको 11 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, साथ में आपको टैंक के ऊपर टैंक पैड देखने के लिए मिल जाएगा गाइज, जो कंपनी से ऑलरेडी एक्सेसरीज के अंदर लगा हुआ आता है गाइज।
इस बाइक के अंदर आपको जो हैंड गार्ड है वो भी कंपनी से ऑलरेडी लगे हुए मिल जाएंगे, जो एक प्लस पॉइंट होने वाला गाइस। हर बाइक के अंदर आपको हैंड गार्ड लगे हुए नहीं मिलते, आपको अलग से एक्सेसरीज लगानी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर आपको हैंड गार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे और वो भी एक्सेसरीज कंपनी से लगी हुई आएगी। और इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है गाइस इसके अंदर। राइट हैंड पे आपको मिल जाता है लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच, उसके नीचे मिल जाता है आपको इंजन स्विच जिससे आप बाइक स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे मिल जाता है आपको लो लाइट एंड हाई बीम का बटन, उसके नीचे आपको मिल जाता है इंडिकेटर्स का बटन गाइस, और उसके नीचे मिल जाता है आपको हॉर्न्स का बटन। और फ्रंट के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे पासिंग स्विच, जो बाइक के अंदर आप जब राइड कर रहे होते ओवरटेक करते हैं गाइस तो इसके अंदर आपको नाइट के अंदर ये काम में आता है बहुत ज़्यादा। डिस्प्ले मीटर की बात करूँ तो गाइस आपको जो राइट हैंड पे जो है डिस्प्ले है वो डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि आप गियर चेंज कर रहे हो फर्स्ट सेकंड वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में आपको फ्यूल की लाइट भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आपको मिलती है इंजन की लाइट, उसके पास में आपको मिल जाती है गियर की लाइट गाइस, उसके पास में आपको इंडिकेटर्स की लाइट देखने के लिए मिल जाएगा, और साइड में आपको मिलता है स्पीडोमीटर जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है गाइस। हेडलैम्प की बात करते हो गाइस, इसके अंदर आपको जो हेडलैम्प मिलता है वो हैलोजन बल्ब के साथ में मिलता है, लेकिन हेडलैम्प के ऊपर ही आपको LED DRL देखने के लिए मिल जाएगा जो काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। और जो इंडिकेटर्स की लुक्स है वो काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ में आते हैं प्लेटिना के जो इंडिकेटर्स है गाइस, हैव अ लुक। बाइक के इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इसके अंदर LED लाइट्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसके जो बल्ब लाइट है और जिसका डिज़ाइन इंडिकेटर का गाइस वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्टाइलिश लगता है गाइस। ये नया लुक है जो प्लेटिना के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो बैक लाइट है वो भी आपको बल्ब लाइट ही मिल जाती है गाइस, इसके अंदर आपको LED देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। और पीछे की साइड में आपको लाइट रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा जो नाइट विजन का काम करेगा नाइट के अंदर आपको गाइस। बाइक के इंजन की बात करते तो यह आता है 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ में, इसके अंदर आपको 8.9 BHP मिल जाएगी, 7000 RPM देखने के लिए मिल जाएगा, इसके अंदर एयर कूल्ड सिस्टम दिया गया गाइस, और 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है, और इसके अंदर आपको EFI टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा और फ्यूल इंजेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, जो काफ़ी अच्छी बात है जिससे आपकी बाइक हीट नहीं होगी एयर कूल्ड सिस्टम से और लॉन्ग राइड के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सीट के ऊपर ही आपको कंफर्ट दिख रहा है लिखा हुआ, तो सोचो कि इसकी जो सीट है ना वो भी काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है गाइस। इसके अंदर आपको जो लॉन्ग राइड करेंगे आप तो पेन का इशू नहीं होगा बिल्कुल भी, और बाइक की जो सीट कंफर्टेबल है तो वो भी देखा जाए तो एकदम मस्त है, और इसके अंदर आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है और इसके अंदर आपको सिंगल सीट मिलती है। पिछले वाले टायर साइज की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो टायर साइज मिलता है वो मिलता है 80-117 का टायर साइज मिल जाता है गाइस, और फ्रंट और बैक के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। पीछे वाला जो सस्पेंशन आपको मिलता है गाइस वो नाइट्रोक्स गैस सस्पेंशन मिल जाता है, इसके अंदर आपको जो फुटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ किया गया है इसके अंदर गाइस। इसके अंदर आपको फुटरेस्ट मिल जाता है लेफ्ट के अंदर भी और राइट के अंदर भी गाइस। एक चीज़ की और बात करूँ तो इसके अंदर आपको चेन कवर जो मिलता है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है इसके अंदर आपको, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका चलेगा, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। अब बात करते हैं बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में गाइस, तो ये जयपुर के अंदर आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी 75,000 कुछ पैसों की गाइस, तो 75,000 की आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाती है, देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी डील होने वाली गाइस। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, फ्रंट के अंदर आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक, और साथ में आपको मिलता है प्लेटिना का इंजन जो सबसे बेस्ट एवरेज के लिए जाना जाता है गाइस और कंफर्ट के लिए जानी जाती है ये बाइक। तो अब आपकी चॉइस है आप कौन सी बाइक परचेज करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। तो सॉरी गाइस यार ये रॉन्ग साइड हो जाएगा वैसे मुझे पता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आगे ही जाना है और यहाँ पे कोई कट भी नहीं है, इसकी वजह से मुझे रॉन्ग साइड ही जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं केयरफुली जा रहा हूँ गाइस, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बाइक की बात करूँ ना बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वाला इंजन मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं गाइस। वाइब्रेशन की बात करूँ तो इस बाइक में आपको वाइब्रेशन बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा, जब आप 90-100 की स्पीड में बाइक को राइड करेंगे तो ही आपको वाइब्रेशन हल्का फुल्का महसूस होगा गाइस। सीट हाइट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 804 mm की सीट हाइट मिल जाती है गाइज, और इसके वेट की बात करूँ तो इस बाइक का जो वेट है वो 122 kg वेट आपको मिल जाता है गाइज। माइलेज की बात करूँ तो प्लेटिना का जो माइलेज है वो 70-80 का माइलेज होने वाला है गाइज, और इसके मुकाबले ऐसी कोई बाइक नहीं है जो आपको माइलेज दे पाएगी, और इसके अंदर आपके पास काफ़ी अच्छा इंजन आया है जो लॉन्ग टाइम तक चलेगा गाइज, और इसके अंदर आपको जो डिस्क मिल रहा है फ्रंट के अंदर और जो ब्रेक वाला ब्रेक है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और इंजन भी काफ़ी स्मूथली और काफ़ी रिफाइंड इंजन के साथ में आती है। ब्रेक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ब्रेक है जो इसके बहुत ही अच्छे है गाइस, और पावर भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है इस बाइक के अंदर।
इसकी इंडिकेटर्स की बात करो और साथ में आपको बैक लाइट की बात करो तो काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी लुकिंग के साथ में आती है, और जिसके इंडिकेटर ऐसे लगते हैं भाई जैसे कि तो इसके अंदर LED लाइट्स दी गई है, लेकिन उनके अंदर LED लाइट नहीं है, उनके अंदर बल्ब लाइट है गाइज। और प्राइस की बात करो तो प्राइस भी इसकी ज़्यादा नहीं होने वाली, 75,000 ऑन रोड प्राइस होने वाली जयपुर के अंदर गाइज। तो इतना कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा है पैकेज, तो क्यों ना भाई आप परचेज़ ज़रूर करना इस बाइक को। मेरी चॉइस तो है कि आप इस बाइक को ज़रूर परचेज़ करें, मेरे हिसाब से देखा जाए, मेरी चॉइस देखी जाए तो माइलेज के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बाइक बेस्ट ऑफ बेस्ट रहने वाली है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो पता ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सेल्फ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइज़।